रहीम, लेक्चर नंबर 38 की प्रिपरेशन करेंगे। कोर्स हमारा है CS610 यानी कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है वेरिएंट्स ऑफ नेट NAT, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी कि नेट क्या होता है या नेट की डिटेल्स क्या होती हैं, कि वो अवॉइड करता है रिट्रांसमिशन को, कि वो ना हो कंजेस्टेड नेटवर्क के अंदर। तो यहाँ पे उसकी कुछ कुछ वेरिएंट्स हैं, ठीक है। तो हम इसको पढ़ते हैं। देर आर ऑल्सो सम वेरिएंट्स ऑफ नेट ड्यू टू सम ऑफ द इट्स ड्रॉबैक्स। देखिए, हर चीज़ की कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होती हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस। तो ये डिसएडवांटेजेस की यानी ड्रॉबैक्स के हवाले से इसके कुछ वेरिएंट्स हैं, जिसमें उन्होंने कहा है द बेसिक नेट सिंपली चेंजेस IP एड्रेसेस, कि जो नेट है वो सबसे पहले IP एड्रेसेस को चेंज करता है। प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो IP एड्रेसेस होते हैं उनको नेट ट्रांसलेट करता है IP डाटाग्राम्स के अंदर। तो ये है फर्स्ट लाइन की मीनिंग, कि वो चेंज कर देता है। बट नेटवर्क एड्रेस एंड पोर्ट ट्रांसलेशन NAPT। अब आपने NAPT का स्टैंड याद रखना है, क्या होता है N फॉर नेटवर्क, A फॉर एड्रेस, P फॉर पोर्ट एंड T फॉर ट्रांसलेशन। लेकिन जो नेटवर्क एड्रेस एंड पोर्ट ट्रांसलेशन है, विच इज़ अनदर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ नेटवर्क NAT, अगर आप NAT के अंदर ही P लगा दें तो ये NAPT वाला बन जाएगा, यानी नेटवर्क एड्रेस पोर्ट ट्रांसलेशन, ठीक है। सिर्फ P का फ़र्क है इन दोनों में, अगर आप देखें तो। चेंजेस IP एड्रेसेस एंड प्रोटोकॉल्स पोर्ट नंबर्स टू, ठीक है। ये NAPT और ये NAT, ये क्या करते हैं, IP एड्रेसेस को चेंज कर देते हैं प्रोटोकॉल पोर्ट्स और नंबर्स में, ठीक है। फिर से वेरिएंट्स ऑफ नेट के बारे में बता दूं कि इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स में सबसे पहले ये है कि ये नेट जो है वो सिंपली IP एड्रेसेस को चेंज करता है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि वो डाटाग्राम में चेंज करता है। लेकिन NAT की मॉडिफाइड फॉर्म को हम NAPT कहते हैं, जो कि है नेटवर्क एड्रेस पोर्ट ट्रांसलेशन। या आप इसका स्टैंड पढ़ सकते हैं, ये वाली लाइन, ठीक है। और उसने कहा है कि ये NAPT क्या करती है, चेंजेस IP एड्रेसेस एंड प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर्स टू, ठीक है। अब NAPT की अगर आप डेफिनेशन और डिटेल्स देखें ना, कि अगर आपको एक आ जाए कि राइट अबाउट NAPT, ठीक है, NAPT, तो वो क्या है, तो आपने पढ़ना है, आप इसमें लिख सकते हैं इट अलाउज मल्टीपल कंप्यूटर्स एट साइट टू कम्युनिकेट विद सिंगल डेस्टिनेशन एज वेल एज मल्टीपल यूजर्स ऑन गिवन कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद द सेम डेस्टिनेशन। जो NAT था वो क्या करता था, हर कंप्यूटर को अलग अलग एक एड्रेस बॉक्स देता था, जिसके साथ वो अपने इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते थे। लेकिन NAPT उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ये अलाउ करता है कि मल्टीपल कंप्यूटर जो हैं एक ही साइट पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी एक ही सिंगल डेस्टिनेशन पर मल्टीपल कंप्यूटर्स या सिंगल कंप्यूटर्स सारे जो हैं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं एक सेम डेस्टिनेशन पर। यानी आप यूँ समझ लें कि मैंने आपको एक डिवाइस दिया और 5-6 लोगों को कह दिया कि अपने लैपटॉप ऑन करके अपना कनेक्शन इसके साथ इस्टेब्लिश कर। ये है इसकी डिटेल्स, ठीक है। तो नेट और नैप में क्या फ़र्क हो गया, सिर्फ P का फ़र्क है इनके वर्ड में, और इनका काम क्या है, वो जो है वो अलग से एड्रेस बॉक्स देता है सारे कंप्यूटर्स को, और ये जो है ये एक सिंगल डेस्टिनेशन एक सिंगल साइट पे सबको कहता है कि आप कम्युनिकेट कर लो, ठीक है। ये आप इसमें पढ़ के देख सकते हैं। नेक्स्ट, TCP स्प्लाइसिंग क्या होती है। TCP का मतलब स्टैंड है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP, T फॉर ट्रांसमिशन, C फॉर कंट्रोल, P फॉर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये स्प्लाइसिंग क्या होती है, अ पॉपुलर यूज ऑफ NAPT इज TCP स्प्लाइसिंग। उन्होंने कहा है कि जब आप NAPT का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको कहते हैं TCP स्प्लाइसिंग। इट इंटरकनेक्ट्स टू इंडिपेंडेंट TCP कनेक्शंस एंड परफॉर्म सेगमेंट रीराइटिंग। अच्छा जी, उन्होंने कहा है कि जब ये कनेक्शन जो है वो देती है, जब ये इंटरकनेक्ट करती है दो इंडिपेंडेंट TCP कनेक्शंस को, यानी एक TCP कनेक्शन ले लिया, एक दूसरा ले लिया, अब ये दोनों TCP जब आपस में इंटरकनेक्ट करेंगे, ठीक है जी, तो फिर वो क्या होगा, एक ऐसा सेगमेंट होगा जिसमें रीराइटिंग होगी, ठीक है, दोबारा से राइट किया जाएगा।
टीसीपी स्प्लाइसिंग क्या है, इट यूजेज एक्सटेंडेड ट्रांसलेशन टेबल। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए डैश इज यूजेज एक्सटेंडेड ट्रांसलेशन, तो आप उसमें टीसीपी स्प्लाइसिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर से बता दूं कि टीसीपी स्प्लाइसिंग क्या करती है, ये दो अलग अलग जो है वो इंडिपेंडेंट कनेक्शंस को एक जगह पे इंटरकनेक्ट करवाती है और रीराइटिंग सेगमेंट करती है, और इसके अलावा ये ट्रांसलेशन एक्सटेंडेड ट्रांसलेशन टेबल का इस्तेमाल करती है। ठीक है जी, उसके बाद थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नहीं 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 अभी रहता है, अभी हमने इन तीनों का जो है वो अलग अलग जो है डिफरेंस बताना है कि इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। ये डिफरेंस जो है ये आप लोगों को ज़्यादा अच्छा क्लियर तरीके से तैयार करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये तीनों चीज़ें आप फ्रंट पे रख के इनके कंपेयर करेंगे तो आपकी ज़्यादा अच्छी जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। टीसीपी स्प्लाइसिंग का हमने पढ़ा कि ये एक पॉपुलर यूज़ ऑफ एनएपीटी है। ठीक है जी, क्या है एनएपीटी की को अगर हम इस्तेमाल करें तो वो टीसीपी स्प्लाइसिंग कहलाती है। जबकि ट्वाइस नेट क्या है, ट्वाइस नेट अलाउज अ साइट टू रन सर्वर्स। ट्वाइस नेट क्या करता है, जितनी भी साइट है हमारी उनको ये अलाउ करता है कि वो सर्वर्स को रन करें। अब कैट क्या है, सी ए टी कैट, कैट क्या है, केबल टीवी प्रोवाइड्स ऑफरिंग इंटरनेट सर्विसेज थ्रू केबल मॉडम्स। कैट ये है कि आपके पास डिफरेंट मॉडम्स होते हैं, ठीक है, उनके ज़रिए वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर आपने अपने घर का कनेक्शन पीछे से लगवाया हुआ है तो उनके पास मॉडम है तो वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह ये तीनों चीज़ों का पहला ऑप्शन जो है वो आपका क्लियर हो गया, टीसीपी स्प्लाइसिंग का भी, ट्वाइस कैट का और ट्वाइस नेट का और कैट का। ठीक है जी, तीनों में क्या डिफरेंस है, अगर हम एनएपीटी की को यूज़ करें तो वो टीसीपी स्प्लाइसिंग बन जाता है। अगर हम नेट को, अगर नेट जो ट्वाइस नेट है वो अगर हमें अलाउ करता है कि सर्वर्स को रन करें एक साइट पे तो वो ट्वाइस नेट है। अगर कैट क्या करता है, हमें इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है केबल मॉडम के जरिए। नंबर टू ऑप्शन पे आ जाएं, टीसीपी स्प्लाइसिंग क्या करता है, इंटरकनेक्ट्स टू इंडिपेंडेंट टीसीपी। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि दो अलग अलग टीसीपी कनेक्शन को इंटरकनेक्ट करके रीराइटिंग का सेगमेंट करता है। अब ट्वाइस नेट क्या करता है, इट रिक्वायर्स द डीएनएस टू इंटरैक्ट विद द नेट डिवाइस। क्या करता है, डीएनएस को इंटरेक्ट करवाता है नेट डिवाइस के साथ, ठीक है, ये रिक्वायर है उसके लिए। और कैट क्या करता है, इट इंक्लूड्स एनएपीटी प्लस एडिशनल फंक्शनैलिटी। ठीक है, अब आपने ये कैट के सिर्फ दो ही पॉइंट हैं आपने याद रखने, एक ये कि वो इंटरनेट प्रोवाइड करता है केबल मॉडम को, इंटरनेट सर्विसेज देता है केबल मॉडम को इस्तेमाल करते हुए। दूसरा पॉइंट ये है कि वो एनएपीटी का प्लस एडिशनल फंक्शनैलिटी इस्तेमाल करता है। ये साइड पे हो गया कैट आपका, ठीक है। दूसरी तरफ आप टीसीपी स्प्लाइसिंग को देखें, ये वाला, इसके आपके तीन ऑप्शन हैं। एक ये कि ये जो है अगर हमने नेट को जो है यूज़ किया तो वो टीसीपी स्प्लाइसिंग बन गई। दूसरा ये कि दो अलग अलग टीसीपी कनेक्शंस को लेकर उनको इंटरनेट इंटरकनेक्ट करवाया और सेगमेंट रीराइटिंग की। नंबर थ्री, इट यूजेज एक्सटेंडेड ट्रांसलेशन टेबल। क्या करता है, एक्सटेंडेड ट्रांसलेशन टेबल इस्तेमाल करता है। ये मैंने आपको पीछे वाले में इसमें बताया था कि ये इस्तेमाल करता है, ठीक है। ये वाली स्लाइड क्यों खाली है ये मैं आपको बताती हूँ, इसमें ये ही है, ओके। तो ये इसके तीन पॉइंट्स हैं टीसीपी स्प्लाइसिंग के, कैट के टू पॉइंट्स हैं, जबकि ट्वाइस नेट के फोर पॉइंट्स हैं, जिसमें एक तो ये अलाउ करता है कि हमने सर्वर को रन करना है, दूसरा ये रिक्वायर करता है कि नेट डिवाइस को इंटरकनेक्ट करना है डीएनएस के साथ, तीसरे में ये कहता है कि जो नेट ट्वाइस है, ट्वाइस नेट है, वो फेल हो जाती है अगर एप्लीकेशन यूजेस द आईपी एड्रेसेस इंस्टेड। अभी एक्स की जगह मेरे ख्याल में मेरे से कोई वर्ड मिस हो गया है, चले मैं देखती हूँ क्या है जी। तो यहाँ पे आना है डोमेन नेम, ठीक है, यहाँ पे क्या आना है, डोमेन नेम। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ट्वाइस नेट फेल्स इफ एन एप्लीकेशन यूजेस द आईपी एड्रेसेस इंस्टेड ऑफ डोमेन नेम, ठीक है। ये नेट, अब आपको अगर क्वेश्चन आ जाए कि ट्वाइस नेट जो है वो फेल कब होती है, इफ एन एप्लीकेशन यूजेस द आईपी एड्रेसेस इंस्टेड ऑफ डोमेन नेम, ये एमसीक्यूज भी आ जाएगा आपको
डैश फेल्स इफ एन एप्लीकेशन यूजेज द आई पी एड्रेसेस इंस्टेड ऑफ डोमेन नेम, तो आपने सेलेक्ट करना है ट्वाइस नेट को, या फिर ये सारा दे देंगे और डोमेन नेम को खाली जगह छोड़ देंगे, तो आपने उसमें सेलेक्ट करना है डोमेन नेम, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है सक्सेसफुल कब होती है, ये तो था फेल कब होती है, अब सक्सेसफुल कब होती है, आई पी एड्रेसेस इंस्टेड ऑफ डोमेन नेम, जब जो आई पी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस है वो इस्तेमाल किए जाएँ इंस्टेड ऑफ डोमेन नेम, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है जी। एक में जब वो आई पी एड्रेसेस इस्तेमाल करेंगे डोमेन नेम की बजाय, ठीक है जी, तो वो सक्सेसफुल हो जाएगी। मैं आपको इसका नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तो हमें ये हो जाएगा क्लियर। नेट एट होम क्या करती है, नेट जो है केबल मॉडम के ज़रिए हम इसको घरों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। ये अलाउ करती है कस्टमर को के जो मल्टीपल कंप्यूटर हैं वो विदाउट आईपी एड्रेस जो है एक दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं या कनेक्टिविटी कर सकते हैं। फिर से बता दूं, होम में अगर आपको आ जाए कि होम में इसके क्या यूजेज हैं, ये हमें हम एज एन केबल मॉडम हमें इसे इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, उसके बाद ये हमें इस बात की इजाज़त देती है यानी कस्टमर को अलाउ करती है कि मल्टीपल कंप्यूटर जो हमारे घरों में होते हैं उसमें आईपी एड्रेसेस रिक्वायर किए बिना उनको सर्विस प्रोवाइड करती है कि वो कनेक्टिविटी करें, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करती है, इंस्टेड अ सिंगल आई पी एड्रेस इट यूजेस फॉर ऑल कंप्यूटर्स, ठीक है, तमाम कंप्यूटर्स के लिए ये इस्तेमाल की जाती है बिना किसी आई पी एड्रेस के, ये हमारे होम की सर्विसेज हैं, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कॉमेंट सेक्शन गिव गुड फीडबैक्स, जज़ाकअल्लाह।